मित्रों, आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। सबसे पहले तेलंगाना की महान जनता को गणेश उत्सव की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। स्वाभाविक रूप से मेरा प्रेस अभी जो तेलंगाना पर कसमय इलेक्शन थोपा गया है, वो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड के बारे में है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया विचार देश के सामने रखा है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने एक नया विचार रखा है, वन नेशन वन इलेक्शन। चंद्रशेखर राव जी ने भी कुछ समय पहले शुरू शुरू में विचार का समर्थन किया था कि देश में कम से कम विधानसभा और लोकसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए। परंतु मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए ऐसी मांग करने वाली पार्टी अचानक ही अपना स्टैंड बदलकर एक छोटे से राज्य को दो चुनावों के खर्चे सहन करने पर विवश किया है। जब 9 महीने बाद शेड्यूल इलेक्शन थे, 9 महीने बाद यहां विधानसभा लोकसभा के चुनाव साथ में हो सकते थे, तो मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं सत्तारूढ़ पार्टी को और यहां के मुख्यमंत्री जी को कि आपने तेलंगाना की जनता पर इतना खर्चा अलग से क्यों थोपा, क्या कारण है 9 महीने चुनाव पहले करने का। और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए करोड़ों रुपयों का खर्च तेलंगाना की जनता पर थोपने का काम टीआरएस ने किया है, श्रीमान चंद्रशेखर राव जी ने किया है। और जब ये चुनाव उन्होंने थोप ही दिए हैं, तो मैं घोषणा करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर सीट को मजबूती के साथ हमारे साथियों के साथ लड़ेंगे। और हम एक तेलंगाना में मजबूत और निर्णायक शक्ति बनकर उभरेंगे। विगत 4.5 साल के अंदर 2014 से लेकर 2018 की यहां तक की यात्रा में हमने तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत किया है, हमारा जनसंपर्क बढ़ाया है, हमारा जनाधार बढ़ाया है। और जिस प्रकार से सरकार 4.5 साल चली है, मुझे लगता है इसको फिर से जनादेश मिलने की संभावना जरा भी नहीं है। तेलंगाना के अंदर तेलुगु अस्मिता और तेलुगु गौरव की बात करने वाले लोगों ने 17 सितंबर हैदराबाद विमोचन दिन का उत्सव बंद कर दिया। क्या हम पूछ सकते हैं क्यों बंद किए? सिर्फ और सिर्फ एमआईएम के दबाव में, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण और ओबीसी के कहने पर उत्सव बंद किया गया। और तेलुगु अस्मिता पर इससे बड़ा कोई आघात हो नहीं सकता। आज भी क्या हम तेलंगाना को आज के रजाकारों के हाथ में सौंपना चाहते हैं? ये तेलंगाना की जनता ने तय करना है। गैर संवैधानिक रूप से 12% माइनॉरिटी आरक्षण का प्रस्ताव करकर भारत सरकार को भेजना ये अपीसमेंट की पॉलिटिक्स नहीं है क्या? जबकि हमारा संविधान धर्म आधारित आरक्षण को, रिलीजियस आरक्षण को कहीं मान्यता नहीं देता है। उनको भी मालूम है
ये आरक्षण हो नहीं सकता, उनको भी मालूम है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धर्म आधारित आरक्षण को मान्यता नहीं देगी। सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने ये आरक्षण का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में अगर फिर से यही सरकार आती है तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी। यहां पर कांग्रेस पार्टी, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी और बाकी लोगों ने भी मिलकर एक गठबंधन बनाया है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी कैसे तेलुगु जनता के वोट पर अपना अधिकार जताती है मैं समझ नहीं सकता। आज भी 1983 में मुख्यमंत्री अंजैया जी के साथ हुआ दुर्व्यवहार तेलुगु जनता को याद है। आज भी नरसिम्हा राव जी के साथ हुआ दुर्व्यवहार तेलुगु जनता को याद है। और अभी जब अटल जी का निधन हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने और देश की जनता ने जिस प्रकार से उनको सम्मान दिया, उससे नरसिम्हा राव की याद और ताजा हो गई है कि किस प्रकार से नरसिम्हा राव जी को उनके मृत्यु के बाद भी सम्मान देने में कांग्रेस ने उनको अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अटल जी के समय में भी तीन राज्य बने, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, उत्तराखंड बना, कहीं रक्तपात नहीं हुआ, कहीं दो राज्यों के बीच में वैमनस्य नहीं हुआ। हमने तरीके से तीनों राज्यों का विभाजन किया। उस वक्त भी अलग अलग सरकारें थी, ऐसा नहीं थी कि सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, परंतु तीनों राज्यों के विभाजन के बाद आज उनका मूल राज्य और नए बने राज्य के बीच के रिश्ते भी अच्छे हैं, कोई वैमनस्य भी नहीं है और तीनों राज्य प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है। परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में परिवारवाद की धूर विरोध करने वाली पार्टी। हम मानते हैं कि लोकतंत्र की मूल कल्पना पर परिवारवाद आघात करता है। लोकतंत्र की मूल कल्पना को परिवारवाद निर्बल करता है और यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ये इलेक्शन, ये चुनाव जल्दी, 9 महीने जल्दी जनता पर थोपा गया है। मैं मानता हूं कि तेलंगाना की जनता इसको अच्छे तरीके से जानती है। मुझे ठीक याद है 2014 में टीआरएस पार्टी ने एक दलित मुख्यमंत्री का वादा किया था, शायद वो भूल गए हो, मगर तेलंगाना के दलित नहीं भूले हैं। चलो, गलती हो गई, देर हो गई, 2018 में क्या दलित मुख्यमंत्री देंगे? 14 में नहीं दिया आपने, आपका वादा तोड़ा, 18 में क्या देंगे आप? इस चीज की स्पष्टता करनी चाहिए। अंधश्रद्धा के कारण 4.5 साल तक सचिवालय में न जाना 21वीं सदी के तेलंगाना को मैं नहीं मानता आगे बढ़ाने का प्रयास इससे हो सकता है। तेलंगाना आंदोलन के शहीदों को, उनके शोकग्रस्त परिवारों को नौकरियां देने का वादा भी आधा अधूरा पड़ा है। मैं तो सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूं, अभी भी आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री हो, क्या कुछ कर सकते हैं आप? सरकारों की भर्तियों के लिए, शिक्षकों की भर्तियों के लिए सरकारी स्कूल में जो वादे किए गए थे, कहीं दूर दूर तक
उसकी पालना नहीं हुई है, प्रोफेसरों की भर्ती भी रुकी पड़ी है, इसके लिए आप क्या जवाब देते हैं? एक भी नई सिंचाई परियोजना 4.5 साल में नहीं हुई। जो लेगेसी में मिला है उसी को भुनाना मुझे लगता है ये आदत हो चुकी है। हमने कल्लेश्वरम परियोजना को पूरी मंजूरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक और वादा था, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल और गांधी अस्पताल को विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने का, वो वादा भी आज का ज्यों का त्यों है। नए घोषणा पत्र में वादा रहेगा या नहीं रहेगा इसकी भी स्पष्टता करनी चाहिए। हर जिला मुख्यालय पर 100 बिस्तर का बेड्स का अस्पताल बनाने का भी और मंडल मुख्यालय पर 30 बेड का अस्पताल बनाने का वादा किया था, वो जस का तस है। मित्रों, पिछले 4 सालों के दौरान लगभग सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं होते क्योंकि सरकार आंकड़े ठीक से देती नहीं है, मगर एक अंदाज जो आया है 4,200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। इसका जवाब कौन देगा? तेलंगाना के जवान इसका जवाब मांगते हैं। गरीब लोगों के लिए 2 लाख डबल बेडरूम के घर बनाने का वादा किया गया था। कम से कम प्रधानमंत्री आवास योजना का भी ठीक से इंप्लीमेंटेशन कर लेते तो कुछ तो 2 बेडरूम का नहीं मगर एक घर तो मिल जाता। कितने डबल बेडरूम घर 4.5 साल के शासन के बाद दिए उसका जवाब तेलंगाना की जनता मांगती है। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। जिलों का पुनर्गठन, एमएलए के तुष्टिकरण के लिए, जनता को अच्छा लगाने के लिए कर लिए, हम इसका स्वागत करते हैं, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, मगर जिले के पुनर्गठन के बाद सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कलेक्टर ऑफिस बन जाए, डीडीओ ऑफिस बन जाए, तहसील डीएसपी ऑफिस बन जाए, नए न्यायालय बन जाए, नई इजनोरी की ऑफिस बन जाए, नए सर्कल का डेवलपमेंट हो जाए, इस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों का भर्ती हो जाए, एक भी जिला क्या बता सकते हो? एक भी जिला जिसमें सारे काम समाप्त हुए? बड़े दुख की बात है कि इस प्रकार के पॉपुलिस्ट स्टेप लेने के बाद आपने एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की को गांव तक पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया। वो जिलों में ना तो पुराना काम चल रहा है, ना नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जनता की मुसीबत बढ़ी है। खम्मम में किसानों को उचित दाम की संघर्ष करते हुए हथकड़ी पहनाकर परेड किया गया। मैंने विगत 10 साल में ऐसा हादसा कहीं पर भी नहीं सुना है। आप उनको उचित दाम दे सकते थे, खैर अब जरूरत नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश भर के किसानों को अपनी लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का काम समाप्त कर दिया है। परसों ही देश की कैबिनेट ने 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने के लिए प्रस्ताव पारित कर रवि और खरीफ दोनों फसलों में किसानों को राहत देने का एक बहुत बड़ा निर्णय किया। सिरसिला जिले में रेत माफियाओं के खिलाफ लड़ते हुए दलितों पर जिस प्रकार से अत्याचार हुआ वो तेलंगाना के दलित आज भी भूले नहीं है। गरीब परिवारों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने देश भर के 50 करोड़ गरीबों के लिए, 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लाकर
5 लाख तक का सभी बड़ी बीमारियों में खर्चा उठाने का एक बीड़ा नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाया। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, तेलंगाना ने आयुष्मान भारत में ज्वाइन न होकर तेलंगाना के गरीबों को वो योजना से महरूम रखने का, उससे वंचित रखने का काम किया है, महरूम रखने का काम किया, और ये सरासर अन्याय है तेलंगाना के गरीबों के साथ। उनका अधिकार है भारत सरकार की योजना को, परंतु केवल और केवल योजना बीजेपी सरकार ने करी है, इसलिए उसका सहयोग न करना मैं मानता हूं कि ये बहुत राजनीति का इससे खराब उदाहरण हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देश भर में सभी राज्यों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। यहां 15% से ज्यादा किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा नहीं उठा पाए हैं। ये 15% भी नेशनलाइज बैंकों से लोन लेने वाले किसान हैं, क्योंकि राज्य सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में विफल गई है। शहरी आवास और ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जानबूझकर उसको लटकाया गया है, टाला गया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं नीचे तक न पहुंचे। मिशन इंद्रधनुष, एनटीसीपी और मलेरिया के लिए जो फंड आता है, मिशन इंद्रधनुष हर गर्भवती महिला और हर नवजात शिशु को टीका लगाने का एक योजना का नाम है, मगर उसका 38% उपयोग ही तेलंगाना सरकार कर नहीं सकती। मैं पूछ सकता हूं क्या मुख्यमंत्री जी को, कितनी सारी सगर्भा महिलाओं और नए जन्मे बच्चों को टीका लगाने में क्या आपत्ति हो सकती? सिर्फ इतनी ही कि योजना श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, कृषि बाजारों को इलेक्ट्रॉनिक करना और राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ जोड़ना, ये योजना भी यहां ठीक से लागू नहीं हुई। भारत सरकार ने 4 साल पहले तेलंगाना में 3 फूड पार्क के निर्माण के लिए मंजूरी दी, 165 करोड़ रुपया मंजूर किया। मैं पूछना चाहता हूं, 4 साल हो गए, फूड पार्क पूरे कर पाए क्या? कर पाते तो तेलंगाना के किसानों को उचित दाम मिल सकते थे। 14th फाइनेंस कमीशन ने जो वित्तीय सहायता ग्राम पंचायतों को आवंटित की थी वो गांवों तक पहुंची नहीं है, कलेक्टर तक रुक कर पड़ी है। यह अधिकार है गांव के सरपंच का, यह अधिकार है गांव की चुनी हुई पंचायत का कि फंड उनकी इच्छा के अनुसार गांव की बेसिक सुविधाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करने के लिए, कहीं पंचायत घर बनते हैं, कहीं नंद घर बनते हैं, कहीं आंगनवाड़ी बनती है, मगर ये गांव को तय करना है। कलेक्टर क्या कर रहे हैं इसमें? इसका जवाब तेलंगाना की जनता को देना चाहिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश भर के पिछड़ा वर्ग के लोगों को सम्मान देने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया है। कांग्रेस की देश में लगभग 60 साल से ज्यादा समय तक सरकार चली, काका साहब कालेलकर कमीशन 1955 में बना था, उसकी एक सिफारिश थी कि ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देना, मगर ये नहीं करते थे, हमने किया। हमने करने के बाद जब बिल राज्यसभा में आया, कांग्रेस ने उसको लटकाया। जब तक राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं हुआ, साथी दलों का बहुमत नहीं हुआ, कांग्रेस ने पिछड़े समाज के लोगों को सम्मानित करने के ये नरेंद्र मोदी जी के प्रयास को रोका, मगर अंततोगत्वा ओबीसी कमीशन आज संवैधानिक मान्यता ले चुका है। कांग्रेस पार्टी क्या जवाब देगी कि आपने किस आधार पर और क्या भावना से ओबीसी कमीशन के बिल को राज्यसभा में रोका था? क्या आप ये 12% माइनॉरिटी आरक्षण का विरोध कर सकते हो क्या? क्या आप तेलंगाना, आप हैदराबाद विमोचन दिन मनाओगे क्या? ये दोनों पार्टियां वोट बैंक के लिए एपीसमेंट के रास्ते पे चल रही है, वो तेलंगाना को न्याय नहीं दिला सकते। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने के बाद पहले कांग्रेस की सरकार थी, 13th फाइनेंस कमीशन था, 13th फाइनेंस कमीशन ने कांग्रेस को सेंट्रल टैक्स, अनुदान सहायता,
रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट, आपदा प्रतिक्रिया रिलीफ फंड और लोकल बॉडीज ग्रांट, ऐसे चार पांच हेड के अंदर 16,597 करोड़ रुपया तेलंगाना को जो हिस्सा आया है उसको देने का काम किया था, जो नया तेलंगाना बचा है। मैं प्रो रेटा बात कर रहा हूं। 14 फाइनेंस कमीशन आया, नरेंद्र मोदी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी आई, 16,597 से बढ़कर 1,15,605 करोड़ रुपीज हमने तेलंगाना को देने का काम किया है। मित्रों, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। इसके अलावे एम्स दिया है, आदिवासी यूनिवर्सिटी दी है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी है, श्रीकोंडा लक्ष्मण तेलंगाना बागवान यूनिवर्सिटी दी है, प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दी है, पीवी नरसिम्हा राव वेटर्निटी यूनिवर्सिटी दी है, कॉटन रिसर्च सेंटर की सैद्धांतिक इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है, स्पाइस पर रिसर्च के लिए बहुत बड़े सेंटर को इन प्रिंसिपल अप्रूव किया है, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल इन हैदराबाद उसको हमने मान्यता दी है, बायोडायवर्सिटी रिसर्च सेंटर हैदराबाद में इसको मान्यता दी है, सेंटर फॉर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस हैदराबाद को डिफेंस मिनिस्ट्री ने मान्यता दी है। और इस सब के बावजूद 1,15,000 करोड़ ये सारे इंस्टीट्यूशन के बावजूद मुद्रा बैंक के 18 लाख लाभार्थी को 15,000 करोड़, स्मार्ट सिटी के लिए 124 करोड़, वारंगल हृदय योजना के लिए 40 करोड़, अमृत मिशन के लिए 833 करोड़, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन हैदराबाद के लिए 158 करोड़, मेट्रो के लिए 661 करोड़, अलग अलग रेलवे प्रोजेक्ट में 19,902 करोड़, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन में 1,150 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 145 प्रोजेक्ट के लिए 1,221 करोड़ जो खर्च नहीं हुआ है, 9 पिछड़े जिलों के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को 900 करोड़, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 40,800 करोड़, महिला एवं बाल विकास के लिए 1,055 करोड़, कृषि सिंचाई और पशुधन विकास के लिए 915 करोड़, रामगुंडन उर्वरक प्लांट के लिए 5,200 करोड़, मेडक एनआईएमजेड इसके लिए 17,300 करोड़, एम्स तेलंगाना के लिए 1,200 करोड़, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1,353 करोड़ और नक्सल प्रभावित जिलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 400 करोड़, 1,15,000 करोड़ रुपया और देने का काम किया है। कुल मिलाकर 2,30,000 करोड़ रुपया हमने राज्य को देने का काम किया है, जो कांग्रेस के समय से 15,000 करोड़ के हिसाब से 10 गुना 20 गुना के आसपास ही होता है। 20 टाइम कांग्रेस पार्टी जवाब देगी क्या? जब आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, ओवीसी साहब भी इसका समर्थन करते थे, तेलंगाना को 15,000 करोड़ मिलता था, हमने 2,30,000 करोड़ रुपया तेलंगाना के विकास के लिए भारत सरकार से भेजने का काम किया। किस अधिकार से आप तेलंगाना की जनता के पास वोट मांगने जा रहे हो, जबकि आपका शासन था, अन्याय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पक्षापक्षी से ऊपर उठकर फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए, संघीय ढांचे की भावना को मजबूत करते हुए, आज हमारी सरकार नहीं है तेलंगाना, मगर हमने कोई भेदभाव नहीं करा है, हर एक चीज जो तेलंगाना के लिए कर सकते वो करी है। और मित्रों, जिस प्रकार से यहां इलेक्शन सेफ ले कहने भी आया हूं, हम मजबूती के साथ मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना के विकास के लिए गांव गांव तक जाने के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार है। इस जंग को बड़े जोर से, हिम्मत के साथ और डटकर मुकाबला करते कर लड़ने के लिए तैयार है। मैं तेलंगाना की जनता का आह्वान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करे, एक ऐसी मजबूत सरकार बनाए
जिसमें भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण रोल हो, तभी जाकर कोई तेलंगाना के विकास को रोक नहीं सकता। तेलंगाना का विकास तभी हो सकता है ऊपर नरेंद्र मोदी और नीचे भारतीय जनता पार्टी से ड्रिवन सरकार, ये कल्पना अगर लेते हैं तो ही तेलंगाना का विकास हो सकता है। और यह अपप्रचार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को हल्के से लेगी। मैं आज तेलंगाना की जनता को वादा कर जाता हूं कि तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तेलंगाना के विकास के लिए समर्पित है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार भी तेलंगाना के विकास के लिए समर्पित है। भले इलेक्शन 9 महीना जल्दी लाए हैं, हम इलेक्शन लड़ने के लिए सुसज्ज है। हर बूथ में हमारा कार्यकर्ता पहुंच चुका है। मेरे भी कई बार दौरे हुए हैं, मोदी जी पे भी कई बार दौरे हुए हैं, और जिस प्रकार के सरकार चली है तेलंगाना की जनता के आक्रोश को हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अच्छे तरीके से जानते हैं कि सरकार के खिलाफ किस प्रकार का आक्रोश है। चुनाव में हम बड़ी उम्मीद के साथ जा रहे हैं। हम तेलंगाना की जनता का आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए आज महबूब नगर से हमारे चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। इतनी ही बात करनी थी, बाकी जो आपको पूछना है। एक मिनट सुनो, सारे सवाल लेंगे, एक के बाद एक करो, जल्दबाजी मत करो। जो नाम लक्ष्मण जी बोलते जाएंगे वो अमर। अमित शाह जी, मेरा एक सवाल है। सवाल से पहले एक छोटी विनती है, वो भी तेलंगाना के आप लोग ने और करना है। मैं इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के सेक्रेटरी जनरल हूँ। 2014 से लेके तेलंगाना में जो टीआरएस सरकार आई है, जब से ये साल 2018 में अगस्त 15 तक 220 जर्नलिस्ट तेलंगाना में मरे बुरे हालत में। मैं वो आपको देना चाह रहा हूँ, एक मिनट आप अगर अलाउ करे तो आई वॉन्ट टू गिव यू दिस एंड आस्क द क्वेश्चन। दो सौ बीस लोग जर्नलिस्ट मरे बुरे हालत में बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल असिस्टेंस। हम 4 सितंबर को दिल्ली में एक बड़ा पार्लियामेंट स्ट्रीट में एक धरना भी दिए और वहां भी थोड़े सबको मिलने की ट्राई करे, मगर नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग, प्लीज गो थ्रू इट एंड डू समथिंग। और मेरा सवाल ये है, कल एक सर्वे तेलंगाना में घूम रही है कि तेलंगाना में अगर तेलंगाना राष्ट्र समिति बीजेपी के साथ प्री पोल अलायंस करे तो ही फिर राज में आएगी, नहीं तो नहीं। दिस इज द सर्वे गोइंग राउंड इन द सिटी। And second thing, the survey says 100% Muslims are not going to vote TRS because they believe that TRS is in hand in glove with BJP. देखिए, हम TRS से कोई चुनावी समझौता करने नहीं जा रहे हैं। ये सबसे पहले तेलंगाना की जनता के मन में स्पष्टता होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में अपने बूते पर लड़ेगी, हमारी ताकत पर लड़ेंगे, और हम ये एपीसमेंट के भी खिलाफ लड़ेंगे, ये रुके हुए विकास के भी खिलाफ लड़ेंगे, और ये जर्नलिस्टों की हत्याएं और जिस प्रकार से इन पर हमले हुए इसके खिलाफ भी लड़ेंगे। सर, यू आर द ओनली नेशनल लेवल लीडर हु टेक्स ऑन टीआरएस गवर्नमेंट सो सीरियसली, ओनली व्हेन यू कम, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द नेशनल लेवल बीजेपी लीडर्स कीप प्रेजिंग द तेलंगाना गवर्नमेंट स्कीम्स एंड द लोकल बीजेपी लीडर्स कीप क्रिटिसाइजिंग इट। What kind of confusing signals are you giving to the कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मैंने पार्टी का स्टैंड यहाँ पर अधिकृत रूप से क्लियर किया है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, और जब सरकारें चलती है तो सरकार के कार्यक्रमों में तेलंगाना के विकास में हमारा कोई मतभेद नहीं है। हम विपक्ष में है, इट डजंट मीन की सरकार के डेवलपमेंट के काम का भी हम विरोध करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है, मगर हम तेलंगाना के अंदर दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा कोई समझौता नहीं होगा, कोई नुरा कुश्ती नहीं होगी। नुरा कुश्ती किसको कहते हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक सेकंड, नुरा कुश्ती इसको कहते हैं कि ओवैसी साहब की पार्टी और
टीआरएस आमने सामने लड़ रहे हैं वो नूरा कुश्ती है। आप सबको मालूम है दोनों एक, पूरी तेलंगाना की जनता को मालूम है दोनों एक। और ओवैसी साहब का एक वचन को भी मुख्यमंत्री जी उठा नहीं सकते, उसको बदल नहीं सकते, ये हम सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। इसको नूरा कुश्ती कहते हैं। हो गया भैया, विवाद नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी जनरल सर, आई एम रविकांत रेड्डी फ्रॉम द हिंदू। सर पिछले में जब थोड़ा दूर रखे माइक को थोड़ा दूर। आई एम रविकांत रेड्डी फ्रॉम द हिंदू। सर पिछले मैंने राहुल गांधी जी यहाँ पे हैदराबाद आए थे, उनका कहना था कि अगली बार मोदी जी का सरकार बन ही नहीं सकता किसी भी हालत में। तो आप राहुल गांधी जी से क्या अपेक्षा करो, वो ऐसा बोलेंगे कि मोदी जी की सरकार बनेगी? मैं उनका रीजन बात करते ऐसा ही बोलना पड़ेगा उनको। नहीं, उनका रीजन था सर, उनका रीजन था कि नॉर्थ इंडिया में उनको कुछ रीजन मिलने वाला नहीं है, इसलिए रीजन में इसका रीजन मैं बताता हूँ। लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, उनको ये कहना ही पड़ेगा। आप इतनी सदी बात नहीं समझते सर। एक और चीज है सर, चलिए आगे। आपको जरूर पूछने देंगे, चिंता मत करो। हाँ भाई सर, एक सेकंड। देखिए जैसे समझ गए, बैठ पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम और डॉलर के बनाम रुपये की गिरती हुई कीमत, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ घटनाएं हुई हैं, अमेरिका चीन ट्रेड वॉर, अमेरिका और पेट्रोल उत्पाद करने वाले देशों के बीच में संबंधों का तनाव, इसके कारण एक अंतर्राष्ट्रीय कारणों से ये घटनाएं हुई है। इसकी हम चिंता भी कर रहे हैं, इस पर चिंतित भी हैं और इसके रास्ते ढूंढने का प्रयास भी कर रहे हैं। कुछ ही समय में इस पर सरकार एक स्टैंड लेकर जनता के सामने आएगी। परंतु मैं इतना जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश भर की मुद्राओं के अनुपात में रुपये की गिरावट कम है, बहुत कम है। आप कोई भी मुद्रा उठाकर देख लीजिए सारे देशों की, उसमें रुपये की गिरावट कंपेरेटिवली कम है। परंतु ये बिल्कुल इंटरनेशनल परिस्थितियों के कारण एक संकट आया है और वो संकट में हम जनता की संवेदनाओं को समझ भी रहे हैं और उसको रास्ता निकालने का प्रयास भी कर रहे हैं। एक और ये जो चंद्रा बाबू जी के बाबली वाली घटना कही, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। ये प्रदर्शन हुआ था 2013 में, यहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी। 2010 में यहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, तब उन पर मुकदमा तय हुआ था। तो वेंडेटा करने वाले के साथ चंद्रा बाबू अभी गठबंधन कर निकले। आप लोगों को इतना तो स्टडी करना चाहिए कि इन पर केस दर्ज करने वाले लोगों के साथ तो वो वोट मांगने निकले। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। एक केस कांग्रेस सरकार में हुआ 2010 में, 2013 में चार्जशीट हुआ, वो भी कांग्रेस सरकार में, दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है। 25 समन निकले के बाद भी कोई नहीं जाता है तो कोर्ट अपना काम करेगी। हमारे नेताओं पर भी समन निकले, उन्होंने कोर्ट का सम्मान कर हाजिर हुए और प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया। कोई व्यक्ति अपने आप को सिंपति लेने के लिए इस प्रकार के चीजें जो खड़ी करना चाहते हैं, तो मैं मानता हूं तेलुगु जनता को इतनी तो समझ है कि कोर्ट की प्रक्रिया क्या है, केस किसने दर्ज किया था, जिसने केस दर्ज किया इसके साथ अब गठबंधन कर निकले हो, ये सारी चीजों की तेलुगु जनता को जानकारी। सर तेलंगाना की पब्लिक में एक कंफ्यूजन है। टीआरएस ने वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में आपको सपोर्ट किया, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में आपको सपोर्ट किया, जीएसटी में सपोर्ट किया, डिमोनेटाइजेशन में सपोर्ट किया, फेडरल फ्रंट की अपनी जो प्रयास थे उसको डाइल्यूट कर दिया, फिर
प्रधानमंत्री से मिलकर आने के बाद उन्होंने समझ गया, मैं समझ गया, इतना सारा मत सोचो, इसने हमारा सपोर्ट नहीं किया, कांग्रेस का विरोध किया है। चलिए आगे, ये सारी जगह पे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया है। आगे क्या? हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया, मैंने कहा कि उन्होंने वादा किया था उसको पूरा करना चाहिए, वादा कर वोट प्राप्त करें, हमारे घोषणा पत्र में हम कहेंगे तो जरूर करेंगे, मगर हमने वादा नहीं किया। आपका सीएम उम्मीदवार देंगे क्या अभी इलेक्शन के पहले? अभी तय नहीं किया है जी। आप किसका डिसीजन ना जी, हमारे हर डिसीजन को नहीं माने। मैंने कहा ना कि हमारी जो हेल्थ इंश्योरेंस योजना है आयुष्मान भारत नहीं स्वीकार किया, इंद्रधनुष का इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, प्रधानमंत्री फसल बीमा का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, मगर आप क्या ऐसा चाहते हो कि राज्य और केंद्र के बीच में तलवारें लेकर 1857 की तरह सब आमने सामने खड़े करें? एक डेमोक्रेसी है भाई, राज्य की सरकार अपना काम कर रही होती है, केंद्र की सरकार अपना काम कर रही है। अमित शाह जी तेलंगाना ऐसा नहीं है, सेंट्रल का भी हम सब एक पेज पर है, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं भैया, मैंने अपना स्टैंड क्लियर किया है और ये फाइनल स्टैंड है। अमित शाह जी दो सवाल है, पहला ये कि तेलंगाना में बीजेपी के लिए बड़ा ऑपोजिशन कौन है, टीआरएस या कांग्रेस, किसको आप मानते हैं? हम दोनों का विरोध कर चलेंगे, हम तेलंगाना की जनता के लिए काम करेंगे। दूसरा सवाल सर, ये आपने कहा 2 लाख, कृपया आप एक ही सवाल, नहीं सर ये सवाल इम्पोर्टेंट तो पहले पूछना चाहिए था आपको। सर तो 2,30,000 करोड़ जो आपने सर बोला, तो उसमें केसीआर साहब ने बोला कि वो भी काफी ज्यादा रुपया सेंटर को देते हैं, और पिछली बार उन्होंने इसमें सवाल खड़े किए थे कि स्टेट से भी काफी सेंटर को जाता है। तो देखिए ये 2,30,000 करोड़ ये आर्ग्यूमेंट स्टेट से सेंटर को जाता है, वो 2013 में नहीं जाता था क्या? मेरा ये कहना है कि 2013 में भी सेंटर में जाता था जब कांग्रेस की सरकार थी, वो 15,000 करोड़ देते थे, हमने 2,30,000 करोड़। मेरा इतना ही विनम्र कहना है, हमने कोई उपकार नहीं जताया है, ये तेलंगाना की जनता का अधिकार है, मगर कांग्रेस पार्टी अधिकार नहीं देती थी, हमने अधिकार देने की शुरुआत की। कर लेंगे भैया, अभी कोर्ट में है। अमित जी आशीष आज तक से यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आपने बात की, हैदराबाद से सांसद हैं, लगातार जीतते रहे हैं, पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ पार्टी इस बार चुनाव कंटेस्ट करेगी? आपने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एटलीस्ट 3 से 4 बार उनका जिक्र किया है, कैसे उनको आप लोग पार्टी उनके खिलाफ कैंडिडेट या इलेक्शन कैंपेन करेंगे? नहीं, हर बार लड़ते हैं हम, तो इस बार भी लड़ेंगे भैया, और स्ट्रेटेजी कोई माइक में थोड़ी ना बताई जाती है। अमित शाह जी, अमित शाह जी भारत फ्रॉम V6 न्यूज चैनल, आपने बोला टीआरएस के साथ किसी भी तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में मोदी जी ने केसीआर को तारीफ किया और आप यहाँ गाली दे रहे? नहीं, अच्छी देखिए, तारीफ किस विषय में किया, जरा विषय तो याद करिए। ऐसे नहीं होता भाई, कोई पर्सनल दुश्मनी किसी की नहीं होती है, मगर जब तेलंगाना की जनता के मुद्दे आते हैं तो विकास के मुद्दे पर हम इनके खिलाफ है, जिस प्रकार से तेलंगाना सरकार एपिसमेंट कर रही है ये मुद्दे पर हम इनके खिलाफ। मोदी जी क्यों नहीं आ रहे यहाँ, क्यों नहीं आ रहे आप? यहाँ आएंगे भैया, अभी तो चुनाव को देर है, आएंगे दमखम के साथ आएंगे और जोर से प्रचार करेंगे मोदी। ऐसा नहीं किया, आप पूरा रिकॉर्ड निकाल कर देख लो, 2 राज्य बनने के बाद कंपैरिजन किया था। अमित जी सर, किसने ऐसा कहा?
अरे भाई मुझे मालूम नहीं है क्या कहा, तुम कहा यार, मेरी जानकारी में नहीं है शुक्रिया। बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ है, सिर्फ तोगड़िया जी नहीं, बहुत सारे लोग खिलाफ। अभी जी मैं राजकिरण बात कर रहा हूँ, टाइम्स इंटरनेट से। अभी जी जैसा यूपी में योगी आदित्यनाथ जी को सीएम बनाया है, उसी तरह से तेलंगाना में भी एक योगी टाइप के, योगी जी के टाइप के एक स्वामी जी को लाना चाह रहे हैं, इसी तरह से स्पेकुलेशन चल रहा है, क्या आप कहते हैं? आपको ठीक लगता है क्या? नहीं ऐसा होगा, ऐसा लगता नहीं, ऐसा स्पेकुलेशन चल रहा है। जनता पार्टी ने कोई प्रत्याशी तय नहीं किया है। नहीं हम, मैं तो हर जगह जाता हूँ, कल भी गणपति के मंदिर में जाकर आए। ये हिंदुस्तान है, किसी का अड्डा नहीं है, हम किसी के अड्डे को मान्यता नहीं देते हैं। ये भारत का एक हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इंच इंच जमीन को भारत का हिस्सा मानता है। उचित समय पर बताएंगे आपको। मैंने जवाब दिया ना, बहुत सारे लोग हमारा विरोध करते हैं। सर 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 वन क्वेश्चन सर सर इन तेलंगाना स्टेट 52% पॉपुलेशन ऑफ द बीसीस, बीसी पॉपुलेशन 52% है, मगर आप इलेक्शन में जाने के टाइम पे वो जनाभा का, पब्लिक का हिसाब से आप सीट देते, नहीं तो कौन तो भी कैसा जे देते आपको सीट। चलो थैंक यू फॉर योर एडवाइस। मिस्टर पारिकर इज नॉट वेल, मिस्टर पारिकर इज वेरी अनवेल, आर देयर एनी, हैज द पार्टी टेकन एनी डिसीजंस और इज इन द प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग हु इज गोइंग। अभी हम कामना करते हैं कि परिकर जी जल्दी स्वस्थ हो और इस पर उचित समय पर पार्टी करेगी। सर इफ देयर इज अ हंग असेंबली इन तेलंगाना, हु आर यू गोइंग टू सपोर्ट? सर सर हंग असेंबली इन तेलंगाना, हु आर यू गोइंग टू? नहीं ऐसा नहीं होता, पार्टी सीटों को किस प्रकार से बांटेगी और किसको टिकट देगा मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की प्रोसेस है, विद इन पार्टी मेरी पार्टी की प्रोसेस है। ना मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने सुनिए ना भैया, मुझे मेरी बात कहने का तो अधिकार है ना, मैंने MIM के लिए कहा है। चलिए बस स्पष्टता हो गई, धन बहुत हो गया मित्रों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आंकड़े आपको मेरे कार्यालय की ओर से दिए जाएंगे।